प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया किसानों का मनोबल, कहा किसानों की मजबूती से बनेगी आत्मनिर्भर भारत की नींव। हरियाणा के किसानों से बातचीत का जिक्र करते हुए बोले, फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर करने का हुआ फायदा। कृषि बिलों को लेकर किसानों से संवाद करेंगे बीजेपी के सांसद, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी ने बनाए सांसदों के 8 ग्रुप, किसानों से सीधे जुड़ने के दिए निर्देश। युवाओं के रोजगार का सरकार करेगी इंतजाम, मुख्यमंत्री बोले जनता के काम आते हैं शिक्षित युवा। शहीद भगत सिंह की जयंती पर किया संवाद। अकाली दल के एनडीए से अलग होने पर गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि बीजेपी और अकाली दल का पुराना गठबंधन है, जल्द ही गलतफहमी दूर होगी। देश में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रहा ब्रेक, 24 घंटे में सामने आए 88,759 नए केस, 1,124 मरीजों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 59,90,000 के पार। सिरसा में कोरोना के एक और मरीज ने तोड़ा दम, 73 नए केस आए सामने, जींद से 55 नए मामले, हरियाणा में 1,22,000 के पार पॉजिटिव केस का आंकड़ा। सोनीपत में 13 गांव के लोगों ने हाउस टैक्स नहीं भरने का किया फैसला, पहले शहर के लगते गांव को नगर निगम में शामिल किया गया था लेकिन कुछ गांव को निगम से बाहर कर दिया गया। फरीदाबाद में नकली घी बनाने की सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर सेक्टर 3 में दुकानों पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में नकली घी और भांग की गोलियां बरामद की गई। भिवानी के तोशाम में लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश किया गया, दरअसल सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि तोशाम के शर्मा नर्सिंग होम में 40,000 रुपए लेकर के लिंग जांच की जा रही है। बहादुरगढ़ की ओमेक्स सिटी में सीवर की सफाई करने उतरे सफाई कर्मचारी की मौत हो गई है, जहरीली गैस से मौत की आशंका है, मृतक सफाई कर्मचारी की पहचान साहिल के तौर पर की गई है।